मुखबिर चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 9 LPG गैस के सिलेंडर बरामद किए और गैस तोलने की मशीन के साथ साथ गैस रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगद रकम भी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में अमन साकेत, संजू जाट और सागर सिवहरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है, लंबे वक्त से तीनों अवैध रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे। आज ओखरी चौकी क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अमन साकेत, संजू जाट और सागर से भरे ये तीनों मिलकर ओखरी चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग का काम कर रहे थे। इस सूचना पर मौके पर जब दबिश दी गई बल के साथ, तो मौके पर 9 सिलेंडर और इनका तोल कांटा, गैस रिफिलिंग का उपकरण और नकदी करीब 6,000 रुपये ये मौके पर पाए गए हैं। इस पर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया जा रहा है। इनके पास में कोई अनुमति वैधानिक इस संबंध में नहीं है। लापरवाही पूर्ण के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया गया है। आरोपियों को अभिरक्षा में दिया गया है। पुराना कुछ रिकॉर्ड अभी इनका देखा जा रहा है। जस्ट 5-7 मिनट पहले ही ये लोग थाने पर पहुँचे हैं। अभी इसमें भरे हुए कितने सिलेंडर? सिलेंडर मैं देख के आपको बताऊंगा, इसमें 4-5 सिलेंडर भरे हुए हैं और 2-3 सिलेंडर खाली हैं। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।